मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चे आज हम अपने न्यू टॉपिक की रिवीजन करने लगे हैं जिसका नाम है क्रिमिनल 1973, 1973. इतना तो पता है कि में क्राइम को लेके दो हैं. एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 जो कि प्रोसीजरल लॉ है और दूसरा है इंडियन पेनल कोड एटीन जो कि सब्सटैंडिव लॉ है राइट हमें पता है दो तरीके के लॉ होते हैं मैंने आपको सिविल प्रोसीजर कोड में भी यह बात बताई थी एक चीज याद रखिएगा बच्चे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है ये क्राइम्स के बारे में बात नहीं करता ये ये नहीं बताता रेप क्या है डिकॉयड क्या है रॉबरी क्या है मर्डर क्या है या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या है या फोर्जरी क्या है ये सारी बातें सीआरपीसी में नहीं लिखी है सारी बातें कहाँ लिखी है आईपीसी में मतलब इंडियन पेनल कोड जो है वो सीआरपीसी से बड़ा कोड है मैंने ये बात आपको आईपीसी में भी बताई थी कि जब दोनों में कोई भी कॉन्फ्रेंटेशन होगी तो आईपीसी सीआरपीसी को ओवर रूल कर जाएगा आप एक चीज बताओ आप मर्डर करो आप रॉबरी करो आप रेप करो आप डिकॉइड करो इन शॉर्ट आप किसी भी तरीके का क्राइम करो क्या सब में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी क्या सब में पुलिस आपको कोर्ट में पेश करेगी क्या सब में आप पे चार्जशीट फाइल होगी कहने का मतलब क्या हुआ अलग अलग तरीके के क्राइम क्या होते हैं और उसके लिए पनिशमेंट्स क्या होती है वो का दी गई है इंडियन पेनल कोड 1860 के अंदर राइट तो सीआरपीसी के अंदर क्या गिवन है, सर? के क्राइम को कैसे डील किया जाएगा वर डिफरेंट स्टेजेस को गुजरना पड़ेगा टिल द टाइम आपने क्राइम किया से जब 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 तक 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 आती है 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 की जब तक आपको 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 दोषी करार दे देता है, जब आपको गिल्टी कर देता कर जेल नहीं भेजा जाता या अगर आप बाइजत भरी हो जाते हो हो जाता है आपका मतलब आप इनोसेंट प्रूव हो जाते हो तो बीच में जो सारी प्रोसीडिंग होती है उसमें क्या प्रोसीजर है वो आपको सीआरपीसी नाइनटीन में पढ़ाया जाता है राइट बच्चे एक चीज याद रखिएगा सीआरपीसी 1973 जो है ये बच्चे बच्चे अप्रैल 1974 से से अप्लाई हुआ था चले जी आगे अब बच्चे ध्यान देखिएगा प्लीज ऑल ऑफ यू सबसे पहले इसमें आधी चीजें आपको ऑलरेडी समझ आई हुई है क्योंकि आपने इंडियन पेनल कोड पढ़ा है राइट काफी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी पहली चीज देखिए कहता है जब आप कोई क्राइम करते हो तो वो क्राइम टूवर्ड्स सोसाइटी होता है क्राइम टूवर्ड्स पर्टिकुलर पर्सन नहीं होता ये बात मैंने आपको वहां भी बताई थी कि अगर आपने कोई मर्डर किया जिसकी फैमिली में कोई मेंबर को आपने मार दिया वो फैमिली कहती है हम कोई केस नहीं चलाना चाहते तो क्या केस चलेगा कि के नहीं चलेगा तब भी चलेगा क्योंकि आपने क्राइम सोसाइटी के अगेंस्ट किया है याद है आपको ये बात डन बच्चे यहां पर कह रहा है सेक्शन टू क्लॉज एन ऑफेंस की डेफिनेशन बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ऑफेंस की मेरी बात को सुनेगा ध्यान से कहता है ऑफेंस का मतलब है कि आपने कुछ किया या आपने कुछ नहीं किया या तो कुछ करना आपकी ड्यूटी थी वहां देखो सुनिए कुछ करना आपकी ड्यूटी थी वो आपने नहीं किया या कुछ नहीं करना आपकी ड्यूटी थी आपने कर दिया पॉइंट समझ आ रहा है कोई एक्ट या ऑमिशन एक्ट आएगा जहां कुछ कुछ चीज प्रोहिबिटेड है वो आपने कर दी या कोई चीज है जो करना आपकी ड्यूटी थी वो आपने नहीं करी राइट क्या था कौन सी चीज जो पनिशेबल है फाइन या इम्प्रिजनमेंट या बोथ के साथ एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं सुनिए कंपनी लॉ में बोला गया प्रोस्पेक्ट के अंदर कभी भी कोई गलत स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए और आप सच लिखोगे और पूरा सच लिखोगे आप उसमें कोई एसेंशियल फैक्ट नहीं करोगे हाँ या ना? और करते हो तो सेक्शन 34 होता है है कंपनी लॉ का जो बोलता क्रिमिनल लगेगी और 35 होता है जो बोलता है सिविल लाइबिलिटी लगेगी हाँ या ना तो क्या वहां पर हम बोलते हैं कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट बोलते हैं ना हम लोग तो क्या वहां पर ऑफिसर इन डिफॉल्ट इसका मतलब क्या है कोई भी बंदा जो इंडिया के किसी भी कानून में कुछ गलत काम करता है तो वो इस एक्ट में इस कोड में क्या माना जाएगा ऑफेंस माना

कि उसके खेत खराब हो जाए और जो हमारी जो हमारी फसल है जो हमारा क्रॉप यील्ड है उसको हम ज्यादा प्राइस पे बेचेंगे ये सॉल नो तो कहता है उस टाइम पे ना ये वाली प्रॉब्लम बड़ी सीवियर थी पता चलता था दो फार्मर्स में मतलब 20 हैं तो 20 में तो 10 फार्मर लड़ रहे हैं तो गवर्नमेंट को लगा कि यार फार्मिंग से रिलेटेड इसमें प्रोविजन डालना चाहिए तो स्पेशली कैटल ट्रांसफर एक्ट वाली बात डाल दी गई तो इसका मतलब ये कि इन्होंने कहा कोई भी एक्ट या ऑमिशन जो आपने किया वो गलत है प्लस कहता है अगर कैटल ट्रांसफे एक्ट के अंदर भी कोई ऑफेंस या कंप्लेट आई है कोई भी कंप्लेंट आई है वो भी ऑफेंस माना जाएगा सिंपल सी बात है हाँ या ना क्लियर है क्योंकि उसमें क्या होता है उसमें ना जिसका जानवर गया है जिसकी कैटल गई है वो कहता है जी मेरी तो भेड़ बकरी जो है वो बहक गई थी जी वो तो भटक गई थी भाई तेरी बकरी भटक गई हमारी सारी फसल खराब हो गई यस और नो राइट आगे देखिए कहता है जी क्राइम तो सेक्शन टू क्लॉज एन याद हो गया ऑफेंस ऑफेंस की क्या डेफिनेशन है एक्ट और ऑमिशन इज मेड पनिशेबल विद फाइन और इम्प्रजनमेंट और टाइम बीज इन फोर्स इन इंडिया प्लस कोई भी या एलिगेशन अगर हो जाएगी राइट right, बच्चे चले आगे अब देखिए क्या था क्राइम की क्या डेफिनेशन है मैंने आपको बताया क्राइम में मेनस्रिया होता है प्लस एक्टरसियम आईपीसी में भी पड़ी थी उसमें उल्टा हमने तीन एलिमेंट पढ़े थे ह्यूमन बींग होना चाहिए मेनस््रिया होना चाहिए प्लस

अगर आपने कुछ गलत काम किया जो आईपीसी में भी गलत है तो वो क्राइम माना जाएगा समझ आ रही है बात हाँ ना इधर देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मेरी गाड़ी के नीचे एक बंदा आ गया गाड़ी हल्की सी हिट हो गई छोटा सा एक्सीडेंट हो गया क्या क्राइम है या ऑफेंस है ऑफेंस है बेलेबल ऑफेंस हा या ना कहने का मतलब क्या है ऑफेंस एक छोटा वर्ड है और क्राइम एक बड़ा वर्ड है या मैं अगर इधर देखिए मैं तीन वर्ड लिखता हूं टॉट ऑफेंस और क्राइम अब आपको नहीं लगता कि टॉट से क्राइम पे जाते जाते सीरियसनेस बढ़ती जा रही है हाँ या ना टॉट एक बिल्कुल ही लेमन वर्ड हो हो गया गया ऑफेंस थोड़ा सा सीरियस टॉट में केस नहीं चलता जनरली ऑफेंस में केस चलता है और क्राइम में तो क्रिमिनल केस चलता है यस और नो हा या ना चले आगे अब देखिए कहता है यहां पर ये लाइन दी गई है एक्ट नॉन फेसिड रियम निशी मेन सिट वही वाली बात अगर आपकी गिल्ट इंटेंशन नहीं है तो गलत एक्शन आपको क्रिमिनल नहीं ठहराता याद है ना

रिया ये जो है आर्क नॉन फेसिड रियमेन रिया ये मैक्सिम आपको याद होनी चाहिए अच्छा देखिए कहता है सर कंप्लेंट की क्या डेफिनेशन है सेक्शन टू क्लॉज डी में पहले मेरी बात सुनिएगा बेटा इधर कहता है अगर किसी भी एक इंसान ने एलिगेशन लगाई है किसी दूसरे इंसान पे चाहे वो एलिगेशन ओरल हो या रिटर्न हो जज के सामने लगाई है तो वो कंप्लेंट मानी जाएगी क्लियर है ये बात पुलिस कंप्लेंट अलग होती है और कंप्लेंट अलग होती है दोनों में फर्क है समझ आ रही है बात अगर आप पुलिस के पास जाके इधर सुनिए अगर आप पुलिस के पास जाते हो कंप्लेंट फाइल करते हो वो अलग कंप्लेंट है ये इस, इस कोड में जो कंप्लेंट का मीनिंग है मतलब आप जज के सामने जाके कंप्लेंट कर रहे हो देखो यहां लिखा हुआ अदर देन पुलिस रिपोर्ट जो आप पुलिस को रिपोर्ट कर रहे हो वो अलग चीज हो गई है हाँ ना और ये कंप्लेंट अलग हो गई क्लियर है मतलब ये पुलिस रिपोर्ट या पुलिस कंप्लेंट वाली बात नहीं है ये कौन सी बात है ये बात है जो आप जज के सामने बोल रहे हो याद रहेगा आप जज के सामने जज को जब आप रिटर्न कंप्लेंट देते हो दैट इज नोन एज कंप्लेंट याद रहेगा पक्का मैं आप पे एलिगेशन लगा रहा हूं और वो चिट्ठी मैं जज को भेज रहा हूं तो वो कंप्लेन माना जाएगा अच्छा आपको एक चीज पता है देखिए आप लोगों ने कई बार सुना एफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यस और नो हम बोलते हैं कुछ गलत काम हुआ हम पुलिस के पास गए पुलिस ने एफ लॉन्च की ऐसा नहीं होता पहले हम पुलिस के पास जाते हैं पुलिस हमारी कंप्लेंट को लॉन्च करती है वो कंप्लेंट लिखती है एक बुकलेट में जिसका नाम होता है डीडी डेली डायरी क्या होता है डेली डायरी डेली डायरी में लिखने के बाद अगर वो कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं होती और दोनों पार्टीज का झगड़ा रिजोल्व नहीं होता तो उसको एफ में कन्वर्ट कर दिया जाता है कहने का मतलब क्या हुआ एक दिन में पुलिस स्टेशन में सौ कम्प्लेट आई तो वो सौ की सौ कंप्लेन हंड्रेड कंप्लेन कहां रजिस्टर हुई वो हुई हमारी डेली डायरी में पुलिस ने नोट डाउन कर लिया उसमें से मान लो नाइन्टी फाइव रिजोल्व हो गए पांच इश्यूज रिजोल्व नहीं हुए उसको फिर किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा एफ में एफ आई आर लॉज होने का मतलब है कि अब तो आप पे केस होएगा ही होएगा पॉइंट समझ आ गई एफ आई आर का मतलब है कि अब तो आपको कोर्ट की शक्ल देखनी पड़ेगी एम आई क्लियर विद दैट

पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है यार एक चीज बताओ सेक्शन क्लॉज यू में दिया हुआ है साथ में इसके प्रोविजन सेक्शन सेक्शन में में होते हैं, 24 में होते हैं हैं यार एक चीज बताओ मैंने अपनी गाड़ी से आपको हिट कर दिया तो आपको नुकसान हुआ चोट लगी केस होगा मेरे ऊपर केस का नाम होगा स्टेट ऑफ दिल्ली वर्सेज अमित वोरा या नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली वर्सेज अमित वोरा राइट मेरी तरफ से मेरा वकील आएगा आपकी तरफ से सरकारी वकील आएगा उस सरकारी वकील को क्या बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर राइट कह रहा है

कोई क्राइम हुआ या कोई ऑफेंस हुआ क्या होता है अब अब तीन स्टेजेस होती हैं पहली स्टेज होती है कि जो पुलिस है वो अपनी छानबीन करती है पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है यस और नो सबसे पहले पुलिस क्या करेगी इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन में ये देखा जाता है कि कौन सही है कौन गलत है या इन्वेस्टिगेशन में एविडेंसिस इकट्ठे किए जाते हैं इन्वेस्टिगेशन में ये देखा जाता है गिल्टी हो या इनोसेंट हो या सबूत इकट्ठे किए जाते हैं बताओ पुलिस सिर्फ सबूत इकट्ठे करती है यस और नो कहता जी पुलिस का काम क्या है इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन सेक्शन टू क्लॉज एच में कहता है जी पुलिस ऑफिसर करता है और उसका काम होता है एविडेंसिस को कलेक्ट करना क्लियर है ये बात इसके बाद इधर देखिए पुलिस वाला क्या करता है बेटा सुनिए आपने अपनी गाड़ी से हिट किया सामने वाले को सामने वाले का बयान लिया जाएगा उस बयान के बेसिस पे चार्ज शीट बनाई जाएगी वो चार्ज शीट बना के कोर्ट में पेश की जाएगी क्लियर है और फिर कोर्ट आपको सम्मन भेजता है लीगल नोटिस और फिर आप पे केस चलता है यही पूरा प्रोसीडिंग होती है हमने डिटेल क्लास में भी यही पढ़ा था अब मेरी बात सुनना जो मैं कह रहा हूं मैं यहां पे कहना चाह रहा हूं कि पुलिस ने छानबीन करी इन्वेस्टिगेशन करी सबूत इकट्ठे किए और सबूतों के साथ चार्जशीट फाइल करके कोर्ट में जमा करा दी इसमें कोई डाउट अब कोर्ट में क्या होता है जिस दिन कोर्ट का मामला स्टार्ट होगा कोर्ट तब तक काम शुरू नहीं करेगा जब तक चार्जशीट नहीं आएगी भैया कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि अमित ने कोई ऑफेंस किया जब तक कोर्ट में चार्जशीट फाइल नहीं होगी समझ आ रही है ये बात तो मैंने ऑफेंस किया पुलिस ने और वो अवेलेबल ऑफेंस था तो पुलिस ने मुझे जमानत दे दी जमानत देते है, पुलिस ने क्या करा मेरे को जमानत देने के बाद मेरे अगेंस्ट चार्जशीट बनाई इन्वेस्टिगेशन करके और वो चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी अब कोर्ट क्या करेगा मुझे समन भेजेगा कोर्ट में मैं जाऊंगा पहली हेयरिंग पे कोर्ट देखेगा कि क्या ये केस चलना भी चाहिए कि नहीं चलना चाहिए क्या इसमें दम है भी या नहीं है उसको बोलते हैं इंक्वायरी देखिए सेक्शन टू क्लॉज डी इंक्वायरी कोर्ट या मजिस्ट्रेट करता है और यह जुडिशियल या नॉन जुडिशियल इंक्वायरी भी होती है सर क्या कहना चाह रहे हो सुनिए आपने कई बार मेरे मुंह से सुना सुना? होगा नाम की जो सिविल में होती है 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 उसमें बोलता I issue inquiry commission. तो क्या inquiry हमेशा करता है या कोई और बॉडी भी करती है कई बार होता है ना कि इस क्राइम पे इंक्वायरी कमीशन बैठी है तो कहता है मतलब इंक्वायरी जनरली कोर्ट करता है इसके अलावा नॉन जुडिशियल इंक्वायरी भी हो सकती है yes or no? CBI inquiry नहीं करती, right? आगे ट्रायल का मतलब क्या कहता है ट्रायल की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई इसमें एक चीज याद रखना इंक्वायरी में सिर्फ जज एक ही चीज देखता है केस को चलाना है या नहीं चलाना डन बचे कहते ट्रायल की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई इस लॉ के अंदर ट्रायल का मतलब है प्रोसीडिंग्स टू एड जज गिल्टी और इनसेंस क्या बात ठीक है सेक्शन टू क्लॉज एज इन्वेस्टिगेशन सेक्शन टू क्लॉज जी आ, हमारा आ गया इंक्वायरी और थर्ड आ गया ट्रायल जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है ट्रायल का मतलब देखो एक बार जज साहब को लगा कि हाँ यार इंक्वायरी जज साहब इंक्वायरी में क्या करते हैं ये देखते हैं कि केस चलाना है या नहीं चलाना है ऐसी कोई घटना हुई भी है या नहीं हुई है और अगर हुई है तो फिर जज साहब आप देखते हैं कि जी आपने करी है किसी और ने करी है आप इनोसेंट हो आप गिल्टी हो यस और नो हाँ या ना तो इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस का रोल खत्म हो जाता है इंक्वायरी और ट्रायल दोनों कौन करते हैं कोर्ट करते हैं याद रहेगा है? समझ आ रही है कहानी चले आगे वो डेली डायरी वाली बात आपको समझ आ गई ठीक है अब सुनिए ध्यान से कहते सर कितने तरीके के ऑफेंसेस होते हैं कहते है सर दो तरीके के ऑफेंस होते हैं एक होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस माने सीरियस ऑफेंस एक एक होते हैं नॉन नॉन कॉग्निजेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस 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 मतलब सीरियस 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 अब एक माने serious. अब चीज बताइए माने में जमानत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए क्या सीरियस ऑफेंस में जमानत मिलनी चाहिए नहीं तो कॉग्निजेबल ऑफेंसिस आर नॉन अवेलेबल जबकि नॉन कॉग्निजेबल नॉन सीरियस आर अवेलेबल समझ आया मैंने क्या बोला यस और नो

पहले लॉ था कि जिसने भी कोई क्राइम किया है या ऑफेंस किया है जिसकी सजा अप तो टू इयर्स है वो क्या माने जाएंगे दो साल तो टू वाले? ठीक है लेकिन कुछ रेयर ऑफ द में कुछ केसेस में दो साल की जगह तीन साल का क्राइटेरिया था कि टू थ्री तो इयर्स वाले नॉनवेलेबल है तीन साल से ऊपर वाले नॉनबल है ये बात समझ आ रही है मतलब पहले रूल क्या था दो साल वाला लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में क्या था तीन साल पहले सिंपल होता था आपने जो ऑफेंस किया है उसमें जमानत मिलेगी कि नहीं पहले होता था भाई कितने साल की इंप्रिजनमेंट है अप टू टूर्स है तो मिल जाएगी मोर देन टू तो नहीं मिलेगी ये बात समझ आ रही है अब वो कुछ केसेस में तीन साल था अब वो कंफ्यूजन होती थी कहां पे दो साल कहां पे तीन साल तो गवर्नमेंट ने अब क्या किया अमेंडमेंट आई थोड़े दिन पहले और गवर्नमेंट ने क्या किया सब में तीन साल का टाइम पीरियड कर दिया अब आज की डेट में जो क्राइटेरिया है वो दो साल का नहीं है वो कितने साल का हो गया तीन साल का हो गया अगर आपने मेरे से रेगुलर लेक्चर में पढ़ा होगा, तो मैंने दो साल बताया होगा अब वो टाइम पीरियड कितना हो गया? तीन साल का हो गया याद रहेगी आफें, मिलती है ज्यादा वाले होते हैं, हैं। आगे बात समझ पहले टाइम पीरियड टू ईयर्स था अब सब में ही तीन साल वाली बात होगी डन तो अप टू थ्री इस वाले क्या हो जाएंगे बेलेबल हो जाएंगे इधर देखिए कहता कॉग्निजेबल ऑफेंस इधर देखिए मैं ना मर्डर करके भाग रहा हूं आपका अब अगर मैं आपका मर्डर करके भाग रहा हूं तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो क्या पुलिस अपनी छानबीन शुरू करेगी या कोर्ट से अप्रूवल लेगी आप हाँ बताओ कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को क्या करना चाहिए इमीडिएटली काम शुरू करना चाहिए तो कहता है, पुलिस इमीडिएटली काम शुरू कर देगी राइट क्लियर है ये बात पक्का जबकि देखो नॉन कॉग्निजेबल में बेलेबल में क्या कह रहा है कह रहा है लेस सीरियस होते हैं इसमें आपको बेल मिल जाती है लेस देन थ्री इयर्स ऑफेंस वाले होते हैं और इसमें पुलिस इमीडिएटली काम नहीं शुरू कर सकती आप बताओ आपने किसी को गाड़ी से हिट कर दिया गलती से ऑफेंस हो गया उसमें डेढ़ साल की सजा है राइट तो क्या पुलिस आपको मारना शुरू कर देगी थाने में जाते ही या पुलिस आपको बेल दे देगी फिर उसके बाद आप घर आ जाओगे फिर चार्जशीट फाइल होगी हा या ना इसका मतलब मेरी बात सुनिए बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर बेल आपका राइट है पुलिस आपको बेल दे देती है राइट जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर पुलिस आपको बेल नहीं देती आपको रात को थाने में रहना पड़ता है अगले दिन आपको कोर्ट में पेश किया जाता है ये आपने मेरे से पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर भी याद आ रहा है आपको अगर आपको याद हो तो जब जब आप अवेलेबल जब आप नॉन अवेलेबल करते हो मतलब पुलिस जमानत नहीं देगी आपको 24 घंटे प्लस ट्रेवल टाइम में कोर्ट में पेश किया जाता है फिर कोर्ट देखेगा आपको जमानत मिलनी है या नहीं देखो मैंने ये बात लिखी हुई है बच्चे इधर देखिए मैंने क्या लिखा हुआ नॉन अवेलेबल ऑफेंसिस में देखिए कॉग्निजेबल में बेल एट डिस्टन ऑफ कोर्ट यस और नो हाँ या ना इसका मतलब हमें क्लियर हो गया कॉग्निजेबल सीरियस ऑफेंसेस हैं बेल नहीं मिलती है तीन साल या तीन साल से ऊपर वाले होते हैं पुलिस बेल नहीं देगी कोर्ट की मर्जी है दे या ना दे अच्छा अब एक चीज बताइए सुनिए इधर ध्यान से इधर मान लो फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं आपके पड़ोस में एक बंदा है उसकी मेड ने उस उसपे रेप अटेम्प्ट का इल्जाम लगा दिया मान लो फॉर एग्जाम्पल ठीक है एक मेड आती है काम वाली आंटी आती है वो गई वो जहां काम करती है उनके फैमिली घर पे नहीं थी बेटा अकेला था बेटे को लगा शायद उसने कोई हरकत करी आंटी रोते रोते गई पुलिस स्टेशन में पुलिस आ गई थी अब पुलिस आके पुलिस ने क्या करा जीप में बिठाया उसको जीप में लेके चली गई यस और नो ये बात समझ आती है अब बताओ रेप अटेम्प्ट की कंप्लेंट करी है उस लड़की ने एफ आई आर लॉज होगी हाँ या ना क्लियर है ये बात भाई रेप अटेम्प है उसने बोला और उसको लड़की को मेडिकल करवाने हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा चेकअप होता है उसको बोलता है एमएलसी मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट समझ आ रही है ये बात

खान सबूतों के साथ छेड़छाड़ करवा सकता है हाँ या ना करवा सकता है भाई बहुत बड़ा आदमी है हाँ या ना क्या वो गवाहों को खरीद सकता है बिल्कुल खरीद सकता है तो कहने का मतलब कोर्ट जो है ना वो ये सारे ग्राउंड देखता है नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है आपकी एज क्या है हेल्थ क्या है पास्ट रिकॉर्ड क्या है भागने के चांसेस कितने हैं गवाहों को खरीदने के कितने हैं सबूतों को मिटाने के चांसेस कितने हैं और सबसे बड़ी बात इन सबके अलावा देखता है पब्लिक स्टैंडिंग पब्लिक स्टैंडिंग का मतलब होता है मैं नहीं कह रहा मुझे छोड़ो पब्लिक कह रही है मुझे छोड़ो जब हुआ क्या था सलमान खान को मुझे याद है 2007 में पहली बार सजा सुनाई गई थी 2007 में जब 2007 में पहली बार सजा सुनाई थी जोधपुर जेल में पांच साल की तो सलमान खान के जो पिताजी हैं दोनों भाई हैं दोस्त हैं उस टाइम पे कैटरीना कैफ गर्लफ्रेंड थी बॉनी कपूर दोस्त है अनिल कपूर का भाई ये सारे लोग ना कोर्ट में गए थे कोर्ट में जाके दाखला माइलॉर्ट प्लीज बेल दे दो इसको पांच साल के लिए आपने इसको जेल में डाल दिया जज कहता क्या करें बेल दे दो क्यों दो बेल बेल क्यों चाहिए आपको हरीश सालवे साहब ने भी केस हैंडल किया था ये हरीश सालवे बहुत बड़े वकील हैं एक करोड़ रुपए हेयरिंग के लिए थे उन्होंने उन्होंने पता क्या बोला था कहते माइलॉर्ड देखो इसके दोनों भाई इसके फादर इसकी फ्रेंड इसका एक दोस्त ये सब ना इस पे मूवीज बना रहे हैं और इसमें मूवीज जो बन रही है उनमें सबका सौ सौ करोड़ रुपया लगा हुआ है अगर ये पांच साल के लिए अंदर रहा तो हमारे तो पांच सौ करोड़ डूब जाएंगे हम तो सड़क पे आ जाएंगे तो प्लीज इसको हमारे लिए बाहर निकाल दो तो जज ने बोला ठीक है चलो ये मूवीज बना ले और ऐसा भी नहीं है कि एक आधी मूवी चल रही है पांच मूवीज चल रही है एक मूवी बनने में अगर छह सात महीने भी लगते हैं तो तीन साल की बात है एक साथ चल रहे तो कोर्ट जनरली क्या बोलता है जैसे सलमान सैफ उसको संजय दत्त को बोला था एक महीने का टाइम है पूरी कर लो जितनी शूटिंग करनी है उसकी एक ही मूवी चल रही थी भाई इसकी चल रही पांच पांच मूवीज तो एक्चुअली में देखा जाए तो सलमान खान ने बोला छोड़ो या उसके आसपास के लोगों ने बोला पब्लिक ने बोला कि हमें जरूरत है समझ आ रही है बात वो बात हो रहा है उस टाइम पे मूवी कोई नहीं चल रही थी अब मूवी कैसे बनाए स्क्रिप्ट कैसे लाए सारी मूवीज अगर आप याद करो 2007 के बाद की सलमान खान की सब साउथ इंडियन मूवीज का रीमेक है चाहे वो रेडी हो चाहे वो वांटेड हो उसके बाद एक दबंग आई थी जो इसके भाई ने रेडी बनाई थी उसने सोहेल खान ने बॉडी बनाई इसके जीजे और फादर ने मिलकर उसके बाद दबंग बनाई इसके भाई ने वीर मूवी आई थी वो इसने खुद बनाई थी इसने और कैटरीना कैफ ने समझ आ रही है बात एक वांटेड बनाई थी बॉनी कपूर ने तो कहने का मतलब क्या हुआ जितनी भी मूवीज आई थी वो सारी की सारी रीमेक थी टॉलीवुड की मतलब साउथ की मूवीज़ की क्यों थी क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से जल्दी मूवीज बनानी थी समझ आ रही है बात हाँ या ना तो कहने का मतलब पब्लिक स्टैंडिंग ग्राउंड पे ये जो तो बाबा राम रहीम वाला सीन हुआ था दो साल पहले उसमें क्या हुआ था बाबा राम रहीम जो है ही वॉज डैम कॉन्फिडेंट कि मुझे कुछ नहीं होगा क्यों वो कहता था पाँच करोड़ संगत है मेरी पाँच करोड़ लोग हैं जो मेरे फॉलोअर्स हैं कोर्ट ने कहा हम क्या करें पाँच करोड़ है तो अगर पाँच करोड़ फॉलोवर है उसको लगता था पब्लिक स्टैंडिंग में बच जाऊंगा कोर्ट ने कहा पाँच करोड़ फॉलोवर हैं तो इसका मतलब तो उन्हीं फॉलोअर्स का रेप करेगा

अच्छा अब कहता है एंटीसिपेटरी बेल सेक्शन 438 मेरी बात को ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं बेटा सुनिए अगर इधर सुनिएगा मान लो फॉर एग्जांपल इधर लुक एट मी मान लो फॉर एग्जांपल आपने कोई क्राइम किया ऑफेंस किया या आपने कोई ऑफेंस नहीं किया आपको लगता है आपके अगेंस्ट कोई झूठी कंप्लेन्ट ही ना कर दे ठीक है तो आपको पता है कि इधर सुनिए जो मैं कह रहा हूं आपको पता है कि आपके अगेंस्ट कोई बंदा कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट कर सकता है और आप जानते हो कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको पुलिस तो जमानत नहीं देगी कौन देगा जमानत कोर्ट तो आप क्या करते हो ऑफेंस होने से पहले ही मतलब होने से पहले ऐसा कुछ किया नहीं है आपने आपको लग रहा है सामने वाला झूठी कंप्लेट ना कर दे आप क्या करते हो कोर्ट में जाके एंटीसिपेटरी बेल ले लेते ले 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 हो क्या लेते हो एंटीसिपेटरी बेल एंटीसिपेटरी बेल मतलब एंटीसिपेटरी मतलब इन एडवांस तो इसका मतलब बेल होती है जमानत के बाद एंटीसिबेटरी बेल होती है अरेस्ट के बाद एंटीसिपेटरी बेल होती है अरेस्ट होने से पहले पॉइंट समझ आ रहा है

नहीं आया हाँ ना तो एंटीसिपेटरी बेल क्या है अब मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मेरा कजन है उसका वाइफ से झगड़ा हो गया डाइवोर्स तक बात पहुंच गई बीवी माई चली गई उसको लगा हो सकता है शायद बीवी मेरे पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस ना कर दे मारता पीटता एंड ऑल दैट ऐसा करता कुछ नहीं है पर हो सकता है शादी बिगड़ रही है तो कुछ भी करेगी लड़की तो उसने एंटीसिपेटरी बेल ली इसका मतलब जी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वाइफ मेरे अगेंस्ट ये एलिगेशन लगा सकती है देखिए बेल बेल बिफोर अरेस्ट इज नोन एज एंटीसिपेटरी ये कौन देता है हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट देता है लेकिन ये तीन कंडीशंस में मिलती है कि जब पुलिस आपको बुलाएगी या कोर्ट बुलाएगा तो आप हाजिर हो जाओगे आप गवाहों को डराओगे नहीं और आप इंडिया को छोड़ के हमसे बिना पूछे इंडिया से बाहर नहीं जाओगे क्लियर है इसमें कोर्ट चाहे तो आपका पासपोर्ट रख भी सकता है कोर्ट चाहे तो नहीं रखे सलमान खान को जो बेल्स मिली थी उसके अंदर कोर्ट ने बोला था कि आप हमसे बिना पूछे इंडिया से बाहर नहीं जाओगे कोर्ट ने पासपोर्ट नहीं रखा था लेकिन कहा था जब भी आपको जाना है आपको पहले हमसे पूछना पड़ेगा 2007 से लेके 2015 तक सलमान खान जब भी इंडिया से बाहर गया है बार बार कोर्ट से पूछा है और आप सोच के देखो इनके लिए तो इंडिया से बाहर जाना कितना मतलब आसान चीज है कभी भी निकल जाते हैं सुबह जाते हैं शाम को आ जाते हैं तो सोचो बार बार मुझे आज भी याद है एक बार एक इंटरव्यू में बोला गया था सलमान खान से कि भाई साहब 2007 से लेके 2015 तक आठ सालों में 110 बार कोर्ट के चक्कर काट कोर्ट को अप्लाई किया कि हाँ जी हम जा रहे हैं इंटीमेट किया राइट right? पूछना नहीं था लेकिन बता के जाना था बिना बताए नहीं जा सकते उसके लिए एक एफिडेविट फाइल होता था कि हाँ जी अब हम जा रहे हैं इस काम से समझ आई बात आगे देखो तो एंटीसिपेटरी बेल समझ आ गया कि अगर आपको लगता है कि आपने कुछ सीरियस ऑफेंस किया है और आपके अगेंस्ट कम्प्लेट लॉज हो सकती है या नहीं किया झूठी कंप्लेट लॉज हो सकती है तो आपको एंटीसिपेटरी बेल ले लेनी चाहिए क्लियर है इससे क्या होगा पुलिस आएगी आप एंटीसिपेटरी बेल दिखाओगे पुलिस पुलिस क्या करेगी लेके कल कोर्ट में पेश करेगी भाई जिस कोर्ट के पास तू लेके जाएगा उसी कोर्ट ने देख हमको पहले से ही बेल दे रखी है इसका मतलब हमें पकड़ने का कोई फायदा नहीं है एम आई क्लियर डन बच्चे आप देखिए दो तरीके के, के केसेस होते हैं एक होते हैं है, है, समन केसेस सेक्शन टू फिफ्टी सेवन वॉरेंट केसेज एंड समन केसेस इधर देखिएगा बेटा बच्चे इधर वॉरेंट केसेस सीरियस नेचर के होते हैं समन केसेस जो है नॉन सीरियस नेचर के होते हैं राइट अब सुनिए जो समन केसेस होते हैं ये विद्रोएबल होते हैं मतलब आप इसको विड्रॉ कर सकते हो राइट केसेस विद्रोएबल नहीं होते मेरी बात को सुनिएगा बेटा इधर ऑल ऑफ यू आपने गाड़ी से किसी को हिट कर दिया केस चल रहा है कोर्ट में है ना ऑफेंस है यह भी मतलब आपने गाड़ी से किसी को हिट किया ये अवेलेबल ऑफेंस है आप घर आ गए चार्जशीट फाइल हुई कोर्ट में केस गया कोर्ट में केस चल रहा है जिसका आपने एक्सीडेंट किया था उसको आपने बना लिया कॉम्पनसेशन दे दिया आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो गई राइट क्या वो केस विद्रॉ कर सकता है हाँ या ना कर सकता है कर सकता ना लेकिन आपने किसी का मर्डर या रेप कर दिया उसकी फैमिली को पैसे दे दिए क्या वो केस विद्रॉ कर सकता है नहीं इसका मतलब वॉरंट केसेस विद्रॉएबल नहीं होते समन केसेस विद्रॉएबल होते हैं ठीक है ठेके? अब मेरी बात सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूं सुनना यहां पर लॉ मेकर ने ना एक गलती करी है मतलब कुछ बेवकूफियां जो हो जाती है सुनना पहले कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल के लिए क्या क्राइटेरिया था दो साल वॉरेंट केस है समन केस है उसके लिए भी क्या क्राइटेरिया था दो साल क्लियर है अब वहां पर दो साल की लिमिट चेंज करके क्या कर दी तीन साल पर यहां अभी भी दो साल की रखी हुई है।, है वो विद्रोएबल है अप टू ईयर्स वाले विड्रोएबल है मतलब समन केसेज है मतलब उसको विड्रॉ कर सकते हो उसमें कोर्ट से समन आएगा पॉइंट समझ आ रहा है राइट सीधा अरेस्ट वारंट वगैरह नहीं आएगा लेकिन अगर दो साल से ज्यादा वाले हैं तो वो कौन से केसेस है वारंट केसेस है और उसे विड्रॉ

फा दफा नहीं होगा क्योंकि वो विड्रॉ भी नहीं कर सकता एम आई क्लियर समझ आ गई कहानी चले आगे राइट right? ये समझ आ गया कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ पे, क्लास तो पांच क्लासेस में करते हैं अराउंड दस ग्यारह घंटे लगते हैं अब देखिए सेक्शन ट्वेंटी नाइन कहता है पावर्स ऑफ कोर्ट के बारे में बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा व्हाट आर दी पावर्स ऑफ कोर्ट मेरी बात सुनिए जो मैं कह रहा हूं कहता है कहता सर जब हम कोर्ट की पावर्स की बात करते हैं तो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होती है और उसके नीचे हाई कोर्ट होती है हाँ या ना और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हम मानते हैं कोई भी सजा दे सकती है इंक्लूडिंग डेथ सेंटेंस या ना इसके बाद कहता कहता है 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 नीचे होती सेशन 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 एंड एंड एडिशनल 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 कोर्ट कोर्ट जो है, ये भी कहता है डेथ सेंटेंस दे सकती है लेकिन हाई कोर्ट से पूछ के इतनी बात समझ आ रही है सबसे ऊपर कौन सी कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट उसके नीचे कौन सी कोर्ट है हाई कोर्ट उसके नीचे सेशन कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी सजा दे चाहे डेथ सेंटेंस दे और कहता है सेशन कोर्ट और एडिशनल सेशन कोर्ट बिना हाई कोर्ट से डेथ सेंटेंस नहीं दे सकती डन विद प्रायर हाई कोर्ट है याद रखना इसमें केस स्टडी आती है पेपर में कि सेशन कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दे दिया बाद में हाई कोर्ट से अप्रूव करा लिया वैलिड है नहीं क्यों क्योंकि प्रायर हाई कोर्ट का अप्रूवल चाहिए एम आई क्लियर पक्का बच्चे आगे सुनिए कहता है इसके नीचे असिस्टेंट सेशन कोर्ट होती है जो 10 साल तक की जेल दे सकती है आपको इसके नीचे होता है सीजीएम सीएमएम एम एम चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड चीफ Metropolitan Magistrate राइट right? ये दोनों कहता है सात साल तक की सजा दे सकते हैं फिर होता है एमएम फर्स्ट क्लास और एमएम सेकंड क्लास एमएम फर्स्ट क्लास तीन साल प्लस दस हजार तक की सजा फाइन लगा सकता है एमएम सेकंड क्लास एक साल प्लस पांच हजार रुपए तक की सजा इधर देखो इसको छोड़ दो मुझे देखो मी सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट उसके नीचे कोर्ट दोनों कोई भी सजा दे डेथ सेंटेंस दे कोई दिक्कत नहीं है इसके नीचे सेशन और एडिशनल सेशन जो हाई कोर्ट से बिना पूछे डेथ दे सेंटेंस नहीं दे सकता डेथ सेंटेंस नहीं दे सकता उम्र कैद दे सकता है लाइफ इंप्रिजनमेंट दे कुछ भी दे हमने आईपीसी में पढ़ा था पांच तरीके की पनिशमेंट होती है डेथ सेंटेंस नहीं दे सकता बाकी सब कुछ दे सकता है ठीक है इसके नीचे क्या आता है असिस्टेंट सेशन जो 10 साल की सजा देता है उसके नीचे सीजेएम सीएमएम जो 7 सात साल की देते हैं उसके नीचे एमएम फर्स्ट क्लास जो कि 3 साल की सजा प्लस दस हजार का जुर्माना लगा सकता है एम एम सेकेंड क्लास एक साल की सजा और पांच हजार का जुर्माना यस और नो क्लियर है बच्चे चले आगे अब सुनिए एक चीज याद रखिएगा ये सेक्शन और 30, इन दोनों के बेसिस पे केस स्टडी आती है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है सुनिए बेटा सेक्शन थर्टी क्या बोलता है पहले एक बार इसकी बात को समझते हैं देखिए ये कहता है इंप्रेजनमेंट इन लू ऑफ फाइन बेटा इधर सुनिए इधर ऑल ऑफ यू कॉपी पेन छोड़ दो लुक एट माय फेस मेरी शक्ल देखिए कभी आप लोगों ने ऐसा सुना है कि जज साहब ने बोला आपको छह महीने की सजा और पांच हजार का फाइन अगर आप फाइन नहीं देते तो आपकी सजा इतने से बढ़ जाएगी होता कभी ऐसा हाँ या ना जज साहब ने सजा दी और साथ में फाइन लगाया फाइन ना देने पर सजा बढ़ा दी जाएगी राइट इसी को तो हेडिंग को बोला इम्प्रिजनमेंट इन ली ऑफ फाइन पहले ये हेडिंग पढ़ के देखो हेडिंग का मतलब क्या है इम्प्रिजनमेंट इन ल्यू ऑफ फाइन ल्यू मतलब इन प्लेस ऑफ फाइन अगर आपने फाइन पे नहीं किया तो आपको कितनी सजा बढ़ जाएगी राइट सुनिएगा इसमें रूल होते हैं कुछ इसमें आती है पहले मेरी बात MM ले ले ज्यादा की, एक साल। एक साल की सजा नहीं दे सकता ये और ज्यादा से ज्यादा फाइन कितना लगा सकता है पांच हजार ठीक है इसने मान लो अमित बोरा को बोला अमित जी आपको ना नौ महीने की सजा क्लियर है नौ महीने की सजा प्लस पांच हजार का जुर्माना लगा सकता है ये पहले सोच के बताओ क्या क्लास MM अमित पे मंथ्स की सजा वो बढ़ जाएगी छह महीना और क्लियर है कहता अगर फाइन नहीं दिया तो कितनी सजा बढ़ जाएगी छह महीना अब यही हमारा क्वेश्चन मार्क है क्या ये जजमेंट क्या ये सेंटेंस वैलिड है कि जज साहब ने क्या बोला अमित तेरे को नौ महीने की सजा प्लस पांच हजार का फाइन और अगर तू फाइन पे नहीं करता तो, तो तेरे को छह महीने और जेल में रहने पड़ेंगे डन अब सुनिए ये वैलिड है कि नहीं कहता सुनिए पहली चीज जो ओरिजिनल इंप्रिजनमेंट जज ने दी प्लस जो वाली दी ये दोनों जज की टोटल पार का देखो मोर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू होना चाहिए उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ये बात समझ आई तो पहले बताओ नौ महीने और छह महीने टोटल कितना हो गया पंद्रह महीने जबकि जज की पावर कितनी है एक साल तो क्या उसने इस रूल को वायलेट कर दिया हाँ या ना कहते है, पहली बात तो ये रूल वायलेट नहीं होना चाहिए ठीक है पहली कंडीशन समझ आई कि जो ओरिजिनल इंप्रिजनमेंट है प्लस इन ल्यू वाली इंप्रिजनमेंट है दोनों मिला के टोटल बार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए प्लस आगे कहते है, जो इन ल्यू वाली इंप्रिजनमेंट है ना जो जज साहब कह रहे हैं फाइन की जगह इतनी सजा वो जो जितनी सजा फाइन की जगह लग रही है वो जज की टोटल बार का वन फोर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए यहां पर जज की टोटल बार कितनी थी एक साल बारह महीने बारह महीने का वन फोर्स कितना हो गया तीन महीने मतलब इन ल्यू वाली सजा तीन महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए वो भी इसने कितनी लगाई छह महीने मतलब यहां दो कंडीशन है इसने दोनों ही तोड़ दी जबकि दोनों फॉलो करना जरूरी है दोनों में से एक भी टूटे तब भी वैलिड नहीं माना जाएगा समझ आ रही है बात अच्छा इधर देखो अगर ये जज साहब बोलते इधर देखिएगा अगर ये जज साहब बोलते छह महीने प्लस पांच हजार रुपए का फाइन पांच हजार नहीं देगा तो छह महीने और बताओ फिर वैलिड होता छह महीने प्लस पांच हजार का फाइन पांच हजार फाइन नहीं देगा तो छह महीने और क्या ये वैलिड होता पहले तो देखो छ महीने प्लस छह महीने और दे रहा है ऑरिजिनल छह महीने इन ल्यू वाली भी छह महीने है। क्या ये दोनों मिला के टोटल बार को एक्सीड तो नहीं कर रही क्या पहली कंडीशन देखो वायलेट हो रही है इसमें ये कंडीशन नंबर वन क्या वायलेट हो रही है नहीं क्योंकि ओरिजिनल प्लस इन ल्यू वाली कितनी है बारह महीने

सही है क्या नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व टोटल बार के अंदर है और फाइन ना दे देने देने में तीन महीने और तीन महीने मतलब बारह महीने का वन फोर्थ तो ये वाला सेंटेंस वैलिड माना जाएगा आई होप आपको समझ आ गई बात तो पूरी कहानी क्या कह है ये वाली कि ओरिजिनल इंप्रिजमेंट प्लस इन ल्यू वाली इम्प्रिजनमेंट मिला के उस जज की टोटल बार को एक्सीड ना करे और जो इन ल्यू वाली वो सजा दे रहा है वो कहता है जी टोटल बार के वन फोर्थ से ज्यादा नहीं हो सकती डन क्लियर है श्योर चले आगे अब देखिए कहता सर ये बताइए हम बात कर रहे थे बेल की बेल के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं इधर देखिए और बेल की बात कर मिलती है मतलब बेल में जो बेल मिलती है समझ आ रही है हाँ ना कह रहा है पहली बात आपने कोई ऑफेंस किया ऑफेंस के आप गिल्टी हो सिंपल है सिंपल है आपको उसके लिए अरेस्ट किया गया अरेस्ट करने के बाद आपके अगेंस्ट कोई श्योरिटी बॉन्ड एक भरा गया एक श्योरिटी आया एक बंदा बुलाया गया उसने कोई जुर्माना पे किया और आपको आपको उसके बॉन्ड भरा गया गया और फिर आपको रिलीज कर दिया गया। समझ आ रही है ये बात यार एक छोटी सी बात है देखिए इधर इधर सुनिए आपने अपनी गाड़ी से किसी को हिट कर दिया ये बेलेबल ऑफेंस है मतलब आपको बेल मिलेगी बेल का मतलब क्या है पुलिस बोले बोलेंगे कोई आए बंदा आपकी जान पहचान में जो आपका पिताजी नहीं होना चाहिए कोई और बंदा आए आपकी जान फर्स्ट रिलेशन में नहीं होना चाहिए आपके जान पहचान का बंदा आएगा वो कोर्ट पुलिस वाला बोलेगा दो हजार का जुर्माना या दो हजार रुपए का बॉन्ड साइन करो तो आप क्या करो या दो हजार दे दो या दो हजार रुपये की कोई चीज जैसे गाड़ी की आरसी वारसी दे दो समझ रहे हो बात फोटो कॉपी करके वापस दे, दे देंगे आपको या कोई आपके पास बैंक में एफ डी वेफडी पड़ी हुई है उसकी कॉपी दे दो स्टैंप लगा के दे देंगे दे 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 आपको वापस कि भैया ये पैसा जो है ये हमने सीज कर लिया पैसा बैंक में ही है एफडी बैंक में ही है लेकिन आप सिर्फ क्या करते हो जमा नहीं कराते पैसे पॉइंट समझ आ रहा है सिर्फ आप उसकी कोई रसीद दिखा दे तो देखो जी इतने की एसेट हमारे पास पड़ी है क्लियर है आपको पैसे नहीं देने होते उतनी एसेट की वैल्यू का कोई कागज दिखाना होता है डन उसके बेसिस पे बे बॉन्ड बॉन्ड साइन होता है में दो बातें होती हैं सुनिए मैंने एक बार किसी को गाड़ी से हिट किया था हिट किया केस हुआ मतलब बेलेबल था बेलेबल ऑफिस था मेरे घर वाले सारे पुलिस स्टेशन आ गए मेरे मामा जी जो थे उन्होंने मेरे लिए श्योरिटी बॉन्ड भरा श्योरिटी बॉन्ड में दो हजार भरने थे उनकी जेब में उनकी बाइक की आरसी थी 2000 दो हजार रुपए की तो होगी भाई उसको कॉपी करा के जमा करा दिया और साथ में लिख दिया कि जी मैं गारंटी लेता हूं कि कहीं भाग कर नहीं जाएगा येस और नो उसमें दो बातें लिखी होती है कि मैं गारंटी ले रहा हूं ये कहीं भाग कर नहीं जाएगा और दूसरी बात मैं इतना अमाउंट भी जमा करवा रहा हूँ क्लियर है ये बात ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होती है तो पुलिस आपको जमानत दे देती है डन क्लियर है बच्चे सबको यहां तक कोई डाउट अभी तक हमने बड़ी सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली है इसमें इधर देखिए ऑफेंस इंपॉर्टेंट था क्राइम इंपॉर्टेंट था इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ट्रायल इंपॉर्टेंट था टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस इंपॉर्टेंट था फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड बाय कोर्ट सलमान खान वाले ये इंपॉर्टेंट है एंटीसीबिटरी बेल भी इंपॉर्टेंट है सब कुछ इंपॉर्टेंट है वारंट एंड समन केसेस इंपॉर्टेंट है पॉइंट समझ आ गया वहां पे दो साल का तीन साल कर दिया यहां पे अभी भी दो साल रखा हुआ है राइट right? पावर्स ऑफ कोर्ट सेक्शन थर्टी खुद ही पता चल रहा बड़ा है बड़ा इंपॉर्टेंट है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बेल ये भी इंपॉर्टेंट है अभी तक आपने जो पढ़ा ना, इस चैप्टर में सब इंपॉर्टेंट है कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं अरेस्ट ऑफ अ पर्सन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब बच्चे यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा अरेस्ट ऑफ अ पर्सन बड़े ध्यान से देखिएगा प्लीज पर्सन को कैसे अरेस्ट किया जा सकता है देखिए बच्चे इसके अंदर दो दिए गए हैं एक दिया प्रिवेंटिव अरेस्ट एक दिया नॉन प्रिवेंटिव अरेस्ट प्रिवेंटिव अरेस्ट मतलब कुछ ऑफेंस आप करने वाले थे उसको प्रिवेंट करने के लिए मतलब ऑफेंस हुआ नहीं है है होने वाला था ये बात समझ आ रही है। उससे पहले ही आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया क्लियर है बात आप एक बॉम्ब प्लान कर रहे थे आप एक ब्रिज में जाके बॉम्ब फोड़ने वाले थे अभी पुलिस ने आपको रास्ते में ही पकड़ लिया राइट आप रॉबरी करने जा रहे थे पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया राइट प्रिवेंटिव अरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो ये वही चीज है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर

पुलिस को कंप्लेंट मिली है कि आपके पास गन्स हैं और वाकई में पुलिस ने आपकी गाड़ी रोकी उसमें हथियार निकल गए आर्म्स निकल गए कहता है पुलिस ही आपको बिफोर अरेस्ट बिफोर मतलब बिफोर क्राइम प्रिवेंटिव अरेस्ट सिर्फ पुलिस कर सकती है और कोई नहीं कर सकता राइट और कहता है पुलिस आपको अगले दिन कोर्ट में पेश करेगी सिंपल है ट्रैवल टाइम ट्वेंटी आवर्स प्लस ट्रैवल टाइम मैंने आपको बता रखा है मिसलेनियस एप्लीकेशन का टाइम कोर्ट में साढ़े बजे होता है या ढाई बजे होता है उस टाइम पर आपको बुलाया लेके जाया जाता है डन याद रहेगा अब सुनिए ये तो हो गया प्रिवेंटिव अरेस्ट अब यहां पर कहता है नॉन प्रिवेंटिव अरेस्ट मतलब या अरेस्ट आफ्टर क्राइम आया ना अरेस्ट आफ्टर क्राइम अब इधर देखिए इसमें क्या क्या चीजें क्राइम मानी जाएंगी सुनिए बेटा इधर देखिएगा कहता है आपने कोई कॉग्नीजेबल ऑफेंस किया अच्छा मेरी बात सुनिए इधर बच्चे इधर इन सारे केसेस में इधर देखिए ये लिस्ट बहुत बड़ी है देखो इन सारे केसेस में जो पुलिस है वो इमिडिएटली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगी याद रखना इन सारे केसेस में सेक्शन 41 में जितने केसेस दिए गए हैं इन सब में सेक्शन 41 से लेके सेक्शन 45 सारा यहां तक। इदर, यहां तक तक देखिएगा इधर इन सारे केसेस में पुलिस इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है सुनिए क्या कह रहा हूं मैं अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस किया तो पुलिस बताओ आप मर्डर करके भाग रहे हो पुलिस पकड़ेगी ना आपको हाया ना क्या पुलिस आपको अरेस्ट करेगी यस और नो वो अरेस्ट आफ्टर क्राइम हुआ बिफोर क्राइम हुआ आफ्टर क्राइम हुआ आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो मतलब आपने अभी पुलिस वाले आपने कोई क्राइम करके नहीं भाग रहे पर आप पहले से क्राइम किए हुए वांटेड हो तो पुलिस आपको पकड़ेगी कि नहीं हाँ ना मतलब आपको पहले से ही डिक्लेयर्ड ऑफेंडर हो कि ये बंदा पैसे लेके भागा हुआ है मर्डर करके भागा हुआ है राइट समझ आ रही है बात दो बातें हो गई एम आई क्लियर दो बातें हो गई पहली चीज क्या है अगर आप क्राइम करके भाग रहे हो दूसरा आपने पहले से क्राइम किया हुआ है आप भागे हुए थे आज पुलिस के हत्या चढ़ गए आप तो पुलिस आपको पकड़ लेगी राइट हथियार है आपके पास तो भी पकड़ लेंगी या आप आर्मी वाले हो लेकिन आप हथियार सबमिट करके नहीं आए तो भी पकड़ लेगी यस yes और नो no? किसी के घर में जोर जबरदस्ती करके घुस रहे हो तो भी पकड़ लेगी पुलिस वाले को उसकी ड्यूटी नहीं करने दे रहे तो भी पकड़ लेगी पोजेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी आपके पास कोई स्टोलन प्रॉपर्टी है तो भी पकड़ेगी अच्छा एक चीज बताओ ट्रैफिक पुलिस वाले रोकते हैं आपको और आपका चलान वगैरह काटते हैं लेकिन कभी आपने देखा जो नॉर्मल पुलिस होती है अदर देन ट्रैफिक वो भी बाइक वगैरह को रोकती है क्यों रोकती है वो वो सिर्फ ये देखना चाहती है किसकी बाइक चला रहे हो शक्ल से चोर लग रहे हो चेन स्नेचर लग रहे हो तो रुको जी दिखाओ आपके पास कागजात वगैरह हैं गाड़ी की आरसी है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है समझ आ रही है बात तो मतलब वो जो पुलिस नॉर्मल पुलिस रोकती है वो स्टोलन प्रॉपर्टी तो नहीं है ये जानने के लिए रोकती है और कभी कभी क्या होता है आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते चलो बंद कराओ बाइक बाइक पुलिस स्टेशन में बंद हो जाती है जो भी ओनर होता है आपके फादर या जो भी भाई वो आता है आरसी दिखाता है फिर रिलीज हो जाती है समझ रहे हो बात यस और नो याद रहेगा एक ना ये पॉइंट है देखो रिक्विजिशन वाला ये वाला ये पॉइंट ना बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पे केस स्टडी आती है इस पॉइंट पे केस स्टडी आती है सुनिएगा बेटा मैं क्या बोल रहा हूं पटेल नगर पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाला है उस पुलिस वाले को लक्ष्मी नगर पुलिस स्टेशन से एक कॉल आया और उसमें बोला गया कि ऐसे ऐसे ना अमित नाम का एक बंदा है जो हमारे यहाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस करके भाग गया है और आपके एरिया में देखा गया है प्लीज आप उसे पकड़िए क्या ये पुलिस वाला पकड़ सकता है यस क्योंकि अमित वहां से कौन सा ऑफेंस करके भागा है कॉग्निजेबल ऑफेंस

नॉन कॉग्निजेबल में हमने अभी भी पढ़ा था कि जो पुलिस है वो इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकती पॉइंट समझ आ रहा है एक चीज समझो ना लक्ष्मी नगर पुलिस स्टेशन वाला पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको पकड़ सकता है आप नहीं हो तो उसने पावर डेलीगेट कर दी नॉन कॉग्निजेबल में वो आपको खुद पकड़ ही नहीं सकता तो फिर वो पावर कैसे डेलीगेट करेगा यस और नो हा या ना क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल वाला अवेलेबल है हा या ना उसमें वो आपको अरेस्ट करके कोर्ट में पेश नहीं कर सकते डन बच्चे याद रहेगा समझ आ गई इतनी कहानी चले आगे मेन ये फोर्टी वन ही है फोर्टी फाइव वाला मैंने इसमें दिए ही नहीं हुआ इसको हटा दो फोर्टी वन है फोर्टी टू फोर्टी थ्री फोर्टी फोर और होते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे फॉर एग्जाम्पल उसमें बता देता हूँ क्या है अगर आपने किसी को अपना पुलिस वाले ने नाम नंबर पूछा आपसे आप जा रहे हो सड़क पे पुलिस वाले ने कहा आधार कार्ड दिखाओ आप नहीं दिखा पा रहे पासपोर्ट दिखाओ आप नहीं दिखा पा रहे पासपोर्ट होता तो आप फॉरेनर होते राइट right? अगर फॉरन नेशनल हो इंडियन हो तो आधार कार्ड है दोनों ही आप नहीं दिखा रहे हैं ना अपना नाम पता बता रहे हो पुलिस वाला आपको पुलिस स्टेशन ले जाता है मूवी मूवी में में देखा सीन में वो एक पुलिस वाला होता है संजय मांजरेकर लड़कियों को बिठा रहा होता है जीप में एक्ट्रेस होती है आयशा टाकिया उसको बोलता है नाम नंबर बता नहीं तो तेरे को भी डाल दूंगा अंदर देखा आप लोगों ने मूवी में सीन या कई बार आपने देखा है इधर एक मूवी देखी थी मैंने जस्टिस चौधरी बचपन में उसमें क्या था जितेंद्र साहब जज थे अब जज के सामने कुछ क्राइम हो रहा है तो जज ने थप्पड़ मारा और पुलिस को फोन किया पुलिस आके ले गई क्या जज को भी इतना राइट है कि वो किसी को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे सकता है यस yes, दे सकता है हाँ या ना तो मतलब अरेस्ट बाय जज अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन समझ लो ये सारी चीजें सेक्शन फोर्टी से फोर्टी में दी गई है मैंने यहाँ नहीं डाली क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है ये सारे केसेस सेक्शन फोर्टी के के राइट क्लियर है चले आगे अच्छा इधर देखिए सेक्शन 61 वन बेटा मेरी बात सुनेगा इधर ध्यान से ऑल ऑफ यू इधर सुनिए फटाफट से छोटी सी कहानी सुनते हैं मैंने किसी को गाड़ी से हिट किया बेलेबल ऑफेंस था मामे ने आके जमानत दे दी जमानत दे दी या पुलिस क्या करेगी चार्जशीट बना के कहाँ जमा कराएगी कोर्ट में कोर्ट से मुझे सम्मान आएगा मेरे फादर ने मुझे बोला अमित कॉलेज से सीधा घर आ जाकर मैंने कहा क्यों कहते क्योंकि सम्मान आएगा आप तेरे पे तो मैंने कहा पापा क्या हो गया मम्मी अरों को मिल जाएगा कहते नहीं बेटा ऐसे नहीं होता सम्मान कोर्ट का नोटिस होता है उसमें कोर्ट का नाम आपका नाम जज के साइन सब कुछ होता है आपको किस तारीख को कितने बजे पेश होना है वो भी होता है समझ आ रही है बात और कहता है एक चीज और सुनिए संबंध अक्यूज को भी जाता है और विटनेसेस को भी जाता है याद रहेगा अक्यूज को भी जाता है और गवाहों को भी जाता है इसमें कोई डाउट कहता है सम्बध में रूल होता है या तो अक्यूज को मिलता है या अक्यूज के किसी फैमिली मेंबर को मिलता है जो मेल है मेजर है समझ आ रही है किसको जो मेल है मेजर है अब पापा कहते हैं देख मैं तो घर पे होता नहीं हूं पापा कहते हैं मैं काम पे क्या होता हूं मम्मी और सिस्टर होती है और एक घर पे रामू काका है वो होते हैं मम्मी सिस्टर ना मेल है मेल है नहीं ठीक है रामू काका मेल है मेजर है फैमिली मेंबर नहीं है तो इसलिए कहते तेरे को घर पे रहना पड़ेगा समझ आ रही है बात तो सम्मान या आपको मिलता है या आपकी किसी फैमिली मेंबर को जो मेल और मेजर है फीमेल को सम्मान नहीं मिलता अगर वो खुद अक्यूज ना हो अगर आप पे केस चल रहा है आप अक्यूज हो तो अलग बात है आप ही ने हिट किया है तो, तो आपको ही मिलेगा अदरवाइज फीमेल को सम्मान नहीं मिलता गवर्नमेंट इंप्लॉय के लिए सम्मान मिलता है उसके बॉस को जाता है गवर्नमेंट इंप्लॉय के घर पर भी जा सकता है या उसके बॉस को भी जा सकता है ऐसा कई बार होता है सुनिएगा मेरा एक केस हुआ जिसमें गवर्नमेंट इंप्लॉय विटनेस था अब गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो विटनेस था मैंने उसे कहा प्लीज आप मेरे फेवर में विटनेस देने आ जाना कहता बॉस छुट्टी नहीं देगा तो मैंने कहा अच्छा मैं कोर्ट से बोलूं आपको सम्बन्ध दे दे तो आ जाओगे कहता ऑफिस में सम्मान सर्व करा देना मतलब अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बुलाना है तो कोर्ट क्या करता उसके को दे 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 है उसके इमीडिएट बॉस को तो सम्बन्ध दे देता है क्लियर है कि भैया इस तारीख को क्योंकि बॉस छुट्टी तो बॉस ही देगा दे ना तो बॉस को सम्बन्ध दे देगा दे कि भैया इस तारीख को कोर्ट ने बोला बुला समझ आ रही है बात कंपनी सेक्रेटरी कंपनी ने कुछ गलत किया तो सम्मान किसके पास जाएगा सीएस के पास जाएगा राइट देखो यही सारी बातें हैं सम्मन कोर्ट का ऑर्डर होता है अक्यूज को भी दिया जाता है विटनेस को भी दिया जाता है टू मेक हिमसेल्फ प्रेजेंट टू दी कोर्ट सम्मन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एसेंशियल्स क्या है रिटर्न होता है कोर्ट का नाम लिखा होता है साइन होता है कोर्ट की स्टैंप होती है बंदे का भी नाम होता है डे डेट टाइम होता है कि इस तारीख को आपको पेश होना है राइट बच्चे क्लियर है सर्विंग ऑफ सम्मन सेक्शन 62 से 66 टू अक्यूज्ड और अदर पर्सन अदर पर्सन मेजर होना चाहिए मेल होना चाहिए फैमिली मेंबर होना चाहिए गवर्नमेंट सर्विस में इमीडिएट बॉस कंपनी में सी एस नो समन टू फीमेल अनलेस शी राइट बच्चे क्लियर है है इसके बाद यहां पर ना तीन शॉर्ट नोट दिए गए हैं देखो सेक्शन 70, 70 93 एंड 129. सिंपल अरेस्ट वारंट का कभी कभी आपने देखा है इधर देखिए कभी कभी क्या था पुलिस आती है आप सुनिएगा कभी कभी पुलिस आती है मूवीज में आपने देखा होगा पुलिस आती है एक बंदे को बोलते हैं रहा अरेस्ट वारंट चलो हमारे साथ कभी कभी अरेस्ट वारंट ही नहीं लेती ऐसी ले जाती है हाँ या ना

कहता है अरेस्ट वारंट में सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे ऑफ अ वैलिड सम्मन समझ आ रही है बात इसका मतलब कौन से जज ने अरेस्ट वारंट इश्यू किया किसके अगेंस्ट किया कब पेश करना है कहां पेश करना है कोर्ट के साइन सारी चीजें होंगी मतलब सम्मान और अरेस्ट वारंट में सारे एसेंशियल सेम है यस और नो जवाब दीजिए प्लीज क्लियर है सबको सेक्शन नाइनटी थ्री कहता है सर्च वारंट अच्छा एक चीज बताओ कभी कभी आपने देखा है पुलिस वाले आ जाते हैं अंदर घुस जाते हैं और कभी कभी पुलिस वाले आते हैं बोलते हैं जी हम सर्च वारंट लेके आए हैं अब कभी वो वारंट लेके आते हैं कभी बिना वारंट के आ जाते हैं हाँ या ना डिपेंड करता है कि उनको किस नेचर का क्राइम है समझ आ रही है बात अगर आपको किसी के घर की तलाशी लेनी है तो आपको सर्च वारंट लेके आना पड़ेगा अच्छा एक बात बताओ क्या जब भी पुलिस आती है अरेस्ट करके ले जाती है या सर्च वारंट अलग होता है अरेस्ट वारंट अलग होता है सर्च वारंट में आपको लेके जाना है आपके घर की तलाशी कर रही है आपके घर की व्हीकल की गाड़ी की शिप की समझ रहे हो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी की तलाशी करनी है राइट अरेस्ट वॉरेंट में आपको लेके जाना है राइट अब देखो कहता है सर्च वारंट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दे सकता है सर्च वारंट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दे सकता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट अभी आपने पढ़ा था एमएम फर्स्ट क्लास एंड एमएम सेकंड क्लास पढ़ा था ना हमने कहता है इनमें से कोई भी सर्च वारंट दे सकता है डन बच्चे याद रहेगा अनलॉफुल असेंबली सेक्शन वन ट्वेंटी नाइन इसको कई बार हम लोग लेमैन लैंग्वेज में आईपीसी का एक धारा भी बोल देते हैं याद है सुना है कभी धारा एक सौ चालीस लगी हुई है मतलब कर्फ्यू लगा हुआ है कर्फ्यू लगा है, मतलब पांच लोग या उससे ज्यादा लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते सुना है हम लोगों ने हाँ या ना एक बात बताओ कहीं पर जैसे आपको याद होगा आ, क, अगर हम कश्मीर की बात करें इसमें कर्फ्यू लगा होता है करनी सेना के चक्कर में कर्फ्यू लग गया था जब पद्मावत मूवी रिलीज हो रही थी पद्मावती याद है आपको याद बाबा राम रहीम वाला सीन हुआ था जिस दिन कोर्ट ने कहा था कि ये बंदा जो है ये इस इस बंदे ही इज अ कोर्ट ने अपनी डिग्री दी थी अगर आपको पता कोर्ट ने ऑर्डर दिया था क्रिमिनल केस था कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जी ये बंदा जो है ये गलत है और इस बंदे ने रेप किया उस दिन आपको याद है पंचकुला में सत्ताईस लोग मर गए थे सुना था आप लोगों ने दंगे हो गए थे हाँ या ना कितनों को याद है ऐसा कुछ हुआ था चंडीगढ़ में राइट उसके पांच दिन के बाद जजमेंट आनी थी तब तक ये वाला सेक्शन लग गया था 129 इसका मतलब क्या है अनलॉफुल असेंबली पांच वैसे तो देखा जाए कई भी लोग हम हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसके अंदर आर्टिकल 19 होता है फंडामेंटल राइट्स में जिसमें आर्टिकल आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 1 क्लॉज बी होता है अगर आपको याद आ रहा हो कि हमें राइट है लॉफुली कहीं पर भी मिलने का हाँ या ना बिना हथियारों के याद आ रहा है लेकिन कहता है कई बार वो राइट आपका छीन लिया जाता है पांच या पांच से ज्यादा लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते अगर होंगे तो कहता है मजिस्ट्रेट या, या जो पुलिस वाला होता है सब इंस्पेक्टर वो आके आपको हटा सकता है देखो लिखा है फाइव और मोर पर्सन लाइकली टू कमिट एन ऑफेंस आप कहोगे यार हम कौन सा ऑफेंस कर रहे हैं हम तो बात कर रहे हैं भाई बात उस टाइम पे अलाउड ही नहीं है खड़ा होना ऐसा लग रहा है कि हाँ जी आप जो हो कुछ प्लानिंग कर रहे हो समझ रहे हो ये बात और अगर इतना सीरियस माहौल है कि पांच लोगों को खड़ा अलाउड नहीं है आप खड़े हो या तो सब इंस्पेक्टर या जज आके आपको हटा देगा समझ आ रही है बात या मजिस्ट्रेट आपको ऑर्डर दे देगा ऑर्डर सिंपल या सब इंस्पेक्टर सिंपल बोलेगा भाजी दो मिनट में रफू चक्कर हो जाओ नहीं तो डाल रहे हैं आपको अंडर सिंपल सी बात है आया ना इसका मतलब जो हमारा राइट होता है टू मूव एनी वेयर इन इंडिया फ्रीली वो राइट उस टाइम पर खत्म हो जाता है हमारा राइट होता है कि हम कहीं पर भी पीसफुली विदाउट आर्म्स असेंबल करें वो राइट भी हमारा खत्म हो जाता है हा ना यस और नो एम्बुलेंस आ गई <coughs> गई तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वो जो असेंबली है वो असेंबली क्या बन जाती है अनलॉफुल बन जाती है क्यों क्योंकि कोर्ट का कर्फ्यू का ऑर्डर है तो कोई भी बंदे असेंबल नहीं हो सकते बच्चे याद रहेगा अब देखिए सेक्शन बोलता है देखिएगा क्या बोलता है मिनिस्टर के बेटे ने कुछ किया लड़की रेप की कंप्लेट लेके गई पुलिस वाला जो है वो एफ लॉज ही नहीं करता मिनिस्टर बदली करवा देगा ट्रांसफर करा देगा राइट तो पुलिस वाला जो है पीओ मतलब पुलिस ऑफिसर पुलिस ऑफिसर ने मेरी एफआईआर लॉन्च करने से मना कर दी तो मैं क्या करूं कहता है आप सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी या मैजिस्ट्रेट के पास चले जाओ अगर उनको आपकी बात सही लगी तो वो अपने आप पुलिस वाले के और लेंगे और एफआईआर को लॉन्च कर लेंगे पॉइंट समझ आ रहा है ये ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कई बार एग्जाम में आया हुआ ये याद रहेगा ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में रिकॉर्डिंग ऑफ एफ कैसे होती है अगर एफ आपकी लॉन्च नहीं हो रही है तो आप आगे उसके अगेंस्ट सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेट फॉरवर्ड कर सकते डन बच्चे याद रहेगा सिंपल है क्लियर है अच्छा एक चीज बताओ इधर बच्चा इधर एक क्वेश्चन आती है केस स्टडी एग्जाम में सुनना मैंने एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया मतलब नॉन सीरियस क्या पुलिस इमिडिएट कर, कर सकती है नहीं ये तो पता है कॉग्निजेबल ऑफेंस किया दो तो पुलिस इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है अब पेपर में क्वेश्चन क्या आता है कॉम्पोजिट ऑफेंस अमित ने एक ऑफेंस किया कॉग्निजेबल चार किया नॉन कॉग्निजेबल अब बताओ पुलिस इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी हाँ ना कॉग्निजेबल की तो करेगी करेगी अब क्योंकि मुझे जब इन्वेस्टिगेशन कर ही रही है तो फिर बाकी सारे मैटर्स की भी कर लेगी याद रहेगी बात मतलब अगर देयर आर मोर देन वन ऑफेंसेस पेपर में आ सकता है इफ देयर आर मोर देन वन ऑफेंसेस और जिसमें से मोर देन वन है एक भी कॉग्निजेबल है तो उसकी तो छानबीन होगी उसके साथ साथ बाकियों की भी छानबीन हो जाएगी हाँ या ना यस और नो चले आगे अब देखिए इधर एक ना ये समरी ट्रायल वाली चीज है बेटा ध्यान से देखिएगा ये वैल्यू ना बदल गई है पर आपकी बुक्स में ना अभी भी यही दे रखी है तो हमको यही चलानी पड़ेगी मॉड्यूल में भी एज ऑन डेट यही दे रखी है इंक्रीज हो गया। पहले बेटा मेरी जितने भी समन केसेस होते हैं समन केसेस समझ आया जिसमें सजा कितने तक की है समन केसेस में दो साल तक की आया ना क्लियर है अगर आपने कोई कोई ऑफेंस किया है जिसमें समन केस है मतलब दो साल तक की सजा है आपको क्लियर है या कोई और चीज का केस चल रहा है कोई चुराया आपने कुछ या कुछ जिसकी वैल्यू दो सौ रुपए से ज्यादा नहीं है क्लियर है बात तो कहता है सुनिएगा ऐसे केसेस को जल्दी जल्दी निपटाने के लिए समरी ट्रायल में डाला जा सकता है ट्रायल मतलब सुनवाई तारीख पे तारीख ना समरी मतलब जल्दी जल्दी ये और नो मेरी बात सुनना मैं आपको एक चीज बताता हूं सुनिए जब मैंने गाड़ी से हिट किया बंदे को तो उस टाइम पे मुझे डेढ़ साल की सजा हो सकती थी कितने साल की डेढ़ साल की पहले तो ये बताओ डेढ़ साल की सजा कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है नॉन कॉग्निजेबल है माने वेलेबल है मुझे मामे ने जमानत दिलवा दी मेरे ये बात समझ आ रही है उसके बाद समन आया कोर्ट में केस चला अब जब कोर्ट में केस चल रहा था तो हमारे जज साहब ने क्या किया जज हमारे वकील साहब ने क्या किया जज को बोला प्लीज मेरे क्लाइंट के, के केस को समरी ट्रायल में डाल दो कहाँ डाल दो समरी ट्रायल में पहली बात समरी ट्रायल में कौन सा केस जाता है जहां पर अगर कोई प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है तो उसकी वैल्यू दो सौ रुपये से ज्यादा ना हो या अगर कोई सजा इन्वॉल्व है तो वो दो साल से ज्यादा ना हो पहले ये बताओ कि अमित वोरा जो है उसके केस को समरी ट्रायल में डाला जा सकता था क्या पहले प्रॉपर्टी इन्वॉल्व थी मेरे केस में नहीं सजा इन्वॉल्व थी सजा कितने की थी दो साल से ज्यादा या कम कम इसका मतलब नॉट एक्सीडिंग टू ईयर्स थी इसका मतलब मेरे केस को कहां डाल दिया गया समरी ट्रायल में समझ आ रही है बात और जब समरी ट्रायल में डाला गया तो मैंने हमारे वकील साहब खुश हो गए मैंने कहा वकील साहब खुश क्यों हो रहे हो मैं बच्चा था अठारह साल का था

सेक्शन क्शन टू सिक्स देखो 260 कहता है समरी ट्रायल में कब जाओगे 262 कहता है जाने के बाद आपको क्या बेनिफिट होएगा तो कौन से केसेस जाते हैं समरी ट्रायल में जिसमें वैल्यू दो रुपए से ज्यादा ना हो या इम्प्रिजरमेंट जो है वो दो साल से ज्यादा की ना हो क्लियर है ये बात अभी ये अमाउंट 2000 हो गया लेकिन अभी तक इफेक्टिव नहीं हुआ तो आपकी किताबों में नहीं दे रखा ठीक है और 262 के अंदर क्या कह रहा है एक बार अगर आपको समरी ट्रायल में डाल दिया तो आपके लिए अच्छा क्या होगा उसमें कि अगर आप गिल्टी भी हो इवन देन दो आपको तीन महीने से ज्यादा की सजा नहीं मिल क्लियर श्योर बच्चे कौन से केसेस जाएंगे अप टू टू वाले। सजा कितने की होगी नॉट मोर देन थ्री क्लियर और समरी मतलब जल्दी जल्दी सुनवाई की जाएगी ओके अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आता है आपका सीआरपीसी का सेक्शन एटी टू सेक्शन एटी टू है इश्यूंग प्रोक्लेमेशन इशूंग प्रोक्लेमेशन इधर देखिए बेटा ध्यान से ऑल ऑफ यू मेरी बात सुनिएगा रामालिंग राजू सत्यम का ओनर रामालिंग राजू ने फ्रॉड किया सात हजार करोड़ रुपए का सेवन करोड़ का रामालिंग राजू ने फ्रॉड फ्रॉड किया फ्रौड करके फरार हो गया ठीक है या कोई भी बंदा क्राइम करके फरार हो गया ठीक है यह बात समझ आ रही है अब कोर्ट को लगता है कि यार ये बंदा तो भागा हुआ है या छुपा हुआ है अंडरग्राउंड हो गया ठीक है जी ही यह अवे और अभी मिल नहीं रहा मतलब भागा हुआ वो बंदा पुलिस कोर्ट क्या करती है कोर्ट एक प्रोक्लेमेशन जारी करती है अंडर सी आर पी सी नाइन सेक्शन एटी टू सुन्ना सेक्शन एटी टू के तहत एक प्रोक्लेमेशन जारी करती है कि सो एंड सो बंदा जो कि भागा हुआ है फरार है उस बंदे को तीस दिन का टाइम कम से कम तीस दिन का टाइम देगी मतलब आज अगर प्रोक्लेमेशन दे रही है ये नहीं कह सकती दस दिन में आओ कम से कम थर्टी डेज का टाइम देगी कि इस तारीख को कोर्ट में पेश हो जाए अगर नहीं होता तो उसका यह अंजाम होगा अब अंजाम कुछ भी हो सकता है उसकी प्रॉपर्टी को सील करके नीलाम कर दिया जाएगा अब आप सोच के देखो आपने रामालिंग राजू ने फ्रॉड किया था करोड़ का ठीक है कोर्ट ने क्या करा उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली कोर्ट ने कहा रामालिंग राजू को दो हजार आठ की बात है कि अगर आप अपने आप को कोर्ट में पेश नहीं करते हो दो हजार आठ नौ की बात है तो आपकी सारी प्रॉपर्टी को बेच के नीलाम कर दिया जाएगा सरकारी खाते में डाल दिया जाएगा अब बंदे को लगता है मैंने साढ़े सात हजार करोड़ का घोटाला किया मेरी है मेरी प्रॉपर्टी है चालीस हजार करोड़ की तो एक तरीके से बंदा डर जाता है और बंदा खुद को सरेंडर कर देता है हाँ या ना तो ये एक तरीके से कोर्ट के पास हथियार है बंदे को कन्विंस करने का सरेंडर करने के लिए समझ आ रही है बात देखो क्या कह रहा है 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 प्रोक्लेमेशन कौन करता करता कोर्ट किसके अगेंस्ट ऑफेंडर के अगेंस्ट राइट क्या करता है इसमें जब आप भाग गए हो या छुपे हुए हो तो कोर्ट आपको कम से कम थर्टी डेज का टाइम देता है क्यों देता है कि आप अपने आप को कोर्ट में पेश कर दो प्रेजेंट योर इन कोर्ट हाँ या ना और अगर नहीं करते तो एल्स नहीं किया तो तो प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी या और कोई एक्शन जो कोर्ट को ठीक लगे वो भी ले सकता है डन बच्चे ये जगह जगह पे चिपका दिया जाता है आप कभी भी अगर हम स्पेशली बात करते हैं कभी लेना जो ये नॉर्मल न्यूज पेपर आता है ना भारत टाइम्स वगैरह है ना कभी भी आप ये न्यूज लेना आपको इसमें प्रोक्लेमेशन जरूर मिल जाएगी कोई भी एक न्यूज एक दिन का आप उठाओ उसमें आपको 100% परसेंट मिलेगी ही मिलेगी क्लियर है क्योंकि बंदा तो भागा हुआ है अब भागा हुआ है तो आप उसे कैसे बताओगे आप जगह जगह पे पोस्टर लगा देते हो पुलिस वाले पोस्टर लगा देते हैं और न्यूज में दे देते हैं ताकि उस बंदे को उसका कोई भी रिश्तेदार भी अगर देख ले कोई लगा हुआ दीवार पे तो उस बंदे को बता दे के पुलिस सर को ढूंढ रही है कोर्ट का को ऑर्डर अपने आप को पेश कर डन और ये बड़ी रेगुलर एक्सरसाइज है एक दिन में नाना करते हो इंडिया में दो से तीन हजार प्रोकलोमिनेशन छपते होंगे इतना बड़ा इंडिया है इतने लोग क्राइम करके फरार हो जाते हैं तो रोज दो से ढाई हजार तीन हजार प्रोक्लिनेशन जाते है बात सबको एनी डाउट इन दिस समझ आ गया क्या बहुत मुश्किल है टॉपिक तो यहां पर हमारा सीआरपीसी 1973 कंप्लीट हो गया राइट बच्चे थैंक यू